भाजपा प्रदेश मीडिया सह प्रभारी रजत ठाकुर ने कहा कि राजनीति में अपना एक रसूख रखने वाले सुखराम परिवार को उसी के घर में मात देकर छोटी काशी की जनता ने अपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ चलने का साफ संदेश दे दिया है। नगर निगम के चुनावों में सुखराम परिवार को जिस करारी हार का सामना करना पड़ा है उसके माध्यम से छोटी काशी के लोगों ने ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब वर्तमान और भविष्य में जयराम ठाकुर ही है। भाजपा ने नगर निगम की 15 सीटों में से भाजपा ने 11 पर प्रचंड जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस मात्र 4 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। जो 4 सीटें कांग्रेस ने जीती वहां पर ना तो सुखराम परिवार का कोई प्रभाव था और ना ही जनाधार। सुखराम परिवार के प्रभाव वाली पुरानी मंडी, सुहड़ा और समखेतर सीट पर भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। समखेतर वार्ड के लोगों ने परिवार विशेष का साथ छोड़ते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रति अपना विश्वास जताया और चुपचाप भाजपा के साथ चलने का निर्णय ले लिया। पुरानी मंडी और सुहड़ा में भी कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई है। यहां पर भी भाजपा प्रत्याशियों ने प्रचंड जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि सुखराम के विधायक बेटे अनिल शर्मा और पुत्र आश्रय शर्मा ने ईमानदारी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर व्यक्तिगत रूप से हमले करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जनता ने उन्हें लोकसभा चुनाव की तरह करारा जवाब दिया है। ये परिणाम इस बात का संकेत है कि सुखराम परिवार का राजनीतिक रसूख समाप्त हो चुका है और जयराम ठाकुर ही मंडी के सर्वमान्य नेता है। पिछले कल जो नगर निगम का चुनाव जो मंडी में हुआ उसके नतीजे शाम तक आए, वो सारे के सारे नतीजे 15 में से 11 भाजपा के पार्षद चुन के आए हैं और मंडी में भाजपा को ये ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई है, जिसका श्रेय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में हमने ये चुनाव लड़ा था। और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कराए गए विकास कार्यों का ही नतीजा है कि प्रदेश में हर जगह जो है वो आज भाजपा का डंका बोल रहा है। और इन चुनावों में एक बात तो स्पष्ट हो गई कि मंडी में सुखराम परिवार को लोगों ने उनकी ज़मीन दिखा दी कि उन्हें उनकी ज़मीनी पकड़ कितनी है, वो सारी चीज़ें जो है वो जनता ने साफ कर दी है। और इसके अलावा और भी प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हुए हैं, प्रधानों के चुनाव हुए 3 ब्लॉक्स में, और मैं धर्मपुर ब्लॉक की बात करना चाहता हूं। धर्मपुर में 54 पंचायतों के चुनाव हुए, जिसमें कि हमारे भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार लगभग 43 पंचायतों में हमारे समर्थित उम्मीदवार जीते हैं, और जिसका श्रेय मैं धर्मपुर के विधायक श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी को देता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा इस क्षेत्र में करवाए गए अथक कार्यों की ही नतीजा है कि लोगों ने जो है वो भाजपा की नीतियों के साथ खुलकर जो उनको समर्थन दिया है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मपुर से सुशील शर्मा की रिपोर्ट। गोलू मोलू बाबू सोना, सबका दुश्मन है ये कोरोना, जब भी घर से बाहर जाना मुंह पे अपने मास्क लगाना, घर गलती से टच हो कहीं तो हाथों को सैनिटाइज करो ना, जिस पे चले ना जादू टोना, भूत का बच्चा है ये कोरोना, सोशल डिस्टेंसिंग में रहो ना, वरना हो सकता है कोरोना। गोलू मोलू बाबू सोना, सबका दुश्मन है ये कोरोना।